के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। अपराध जांच शाखा ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गोली मारने का मुख्य आरोपी अभी फरार है। आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। बताइए क्या मामला? ये दिनांक 12/10 की घटना है। हमारे आर्य नगर के इलाके में गांधी कैंप में एक दुकान पे सवेरे के लगभग 11 बजे के करीब तीन लड़के आए और मुंह ढक करके उन्होंने एक दुकान के अंदर विजय नाम के एक आदमी को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिसपे हमारा 302 का मुकदमा हमने अंकित किया था। और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये की इन्होंने उसमें लूट भी की। उस दिन से लगातार पुलिस मुखबरी के दारबीन के पीछे लगे हुए थे। एक मोटरसाइकिल थी इनके पास, पल्सर, जिसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही थी। और आज हमारे इंस्पेक्टर जो यहाँ CIA 2 नरेश कुमार हमारे जो इंचार्ज हैं, इन्होंने इसमें कामयाब हासिल कर ली है। बहादुरगढ़ से दो लड़के, एक अमन जो कि यहाँ कमलानगर का रहने वाला है और प्रिंस जो कि अबोहर पंजाब का रहने वाला है, दो लड़के गिरफ्तार कर लिए हैं। उनका फिलहाल अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा कल का पूछताछ करने के बाद, और जैसा कुछ आगे तब तक बता दीजिए। कुछ और इनके इसके अलावा मामले निकले? हाँ, एक PGI थाने के अंदर ऑलरेडी इन्होंने बताया है, अभी जो पूछताछ से पता लगा है वहाँ एक लूटपाट का मामला इनके खिलाफ पहले से। तो इनसे कुछ बरामद भी हुआ? अभी इनसे कल रिमांड लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके, उसके बाद अगली इनसे पूछताछ और रिमांड लिया जाएगा। पहले के मामला निकला पिछला या पहले और भी कोई वारदात? अभी तक इन्होंने एक वारदात मानी है PGI वाली, और बाकी इनका रिमांड के बाद सारी बातें। उसमें क्या था PGI में? PGI के अंदर लूटपाट के ही।